नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। महाराष्ट्र की सियासत में एंटीलिया विस्फोटक मामले से आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी का खेल तेज हो गया है। प्रदेश में विपक्ष से लेकर केंद्र तक सभी उद्धव सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस बीच सरकार के टिके रहने पर भी बात बनाई है। ताजा मामला है मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा भेजे गए कथित लेटर का, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा है। इस लेटर में कथित तौर पर लिखा है कि एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्रोटेक्शन दे रखा है। उन्होंने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है। इसके बाद विपक्ष में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, मनसे के राज ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के राशिद अलवी ने अनिल देशमुख के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को बचाने में लगे हुए हैं। इधर गठबंधन वाली एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि सचिन वाजे को परमबीर सिंह ने ही बहाल किया था और अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों के कोई सबूत नहीं है। साथ ही लेटर पर परमबीर के साइन भी नहीं है, जिसके जवाब में परमबीर सिंह ने खुद कहा कि वह लेटर उनके ही ईमेल से भेजा गया है और उस पर साइन भी उन्हीं की है। इन सब कंट्रोवर्सी के बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग उद्धव ठाकरे और हैशटैग 100 करोड़ पर मंथ और अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। KYNPost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।